हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में मैं सीरियस बात करना चाहता हूं। अगर आप अपनी उम्मीद खो चुके हो कि यार नीट 2024 अब मुझसे थोड़ा सा दूर जा रहा है, देखो अभी भी आपके पास अराउंड 5 मंथ्स हैं, अभी आपके पास अराउंड 5 मंथ्स हैं, लेकिन अगर एक उम्मीद छोड़ चुके हो या फिर लूज कर चुके हो कि यार मेरा नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं होने वाला, तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूं जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। जो घबरा गए हैं, जो टेंशन में अभी कि आज उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा नीट क्या एक बार में क्लियर होगा या नहीं होगा, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूं। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि यार अगर उसको फॉलो करोगे तो प्लीज मेक श्योर कि दिल लगा के करना, क्योंकि अगर दिल नहीं लगाया ना तो कुछ नहीं होगा, दिल नहीं लगाया तो कुछ नहीं होगा। टॉपर्स के साथ क्या होता है ना, टॉपर्स मेहनत करते हैं और वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन बच्चों के साथ क्या होता है, काफी सारे बच्चों के साथ मैंने देखा है कि वो घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि यार मेरा होगा या क्लियर नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। और इस नेगेटिव थिंकिंग से ये जो सपना है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का, वो दूर होने लगता है। तो उस सपने को मैं आज वापस जगाने आया हूं, उस सपने को मैं वापस जगाने आया हूं। हम देखते हैं वो स्ट्रैटेजीज मैंने डिस्कस करी हैं स्टूडेंट्स के साथ जो कि नीट क्लियर कर चुके हैं, तो उन्होंने मुझे स्ट्रैटेजीज बताई हैं, तो प्लीज उनको अच्छे से फॉलो करना। उनकी जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है मेरे साथ, उसको प्लीज आप सक्सेसफुल बनाना। तो जैसे कि मैंने बोला कैसे, तो हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, उन स्ट्रैटेजीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज है भाई, रिवीजन स्टार्ट कर दो। मैंने कुछ वीडियोस में ये बोला था कि पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो फिर रिवीजन स्टार्ट करो। अब ऑब्वियस सी बात है, अब आपके पास जो टाइम बच गया है उसमें अब आपको डेली रिवीजन चालू करना पड़ेगा। तो मेक श्योर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और रिवीजन के लिए आपके टाइम टेबल में एक स्लॉट रिवीजन का भी होना चाहिए। आपके टाइम टेबल में जैसा एक स्लॉट लंच का है, जैसा एक स्लॉट सुबह उठने का है, जैसा एक स्लॉट सोने का है, एक स्लॉट रिवीजन का भी होना चाहिए। आपके घर वालों को पता होना चाहिए कि इतने बजे अविनाश रिवीजन कर रहा होगा बायो का, इतने बजे अविनाश रिवीजन कर रहा होगा केमिस्ट्री का, क्योंकि अगर वो स्लॉट आपने डिसाइड कर लिया तो डेली रिवीजन करोगे, डिसिप्लिन आ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी आएगी, दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी। और हम जब 5 मई को एग्जाम देने जाएंगे तो हम उसको क्लियर करके आएंगे। तो पहली स्ट्रैटेजी है डेली रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, फिजिक्स के लिए आपको ये करना है कि भाई क्लास के बाद टॉपिक को रिवाइज करो। ऑब्वियसली बात है, टीचर के साथ डिस्कस करो, नोट्स डिस्कस करना है टीचर के साथ, जो टॉपिक्स वीक हो रहे हैं, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे उसको 10 बार पढ़ो, लेकिन करो। डेली 100 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, आपको किसी भी कीमत पे। जैसे कि मैंने बोला, डाउट वगैरह जो भी है उसको क्लियर करो। और यार एनसीईआरटी बुक को मत भूलो। जो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं नीट का, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, उनके दिमाग में आती है 10 किताबें कि यार मैं इससे भी पढ़ लूं, ज्यादा पढ़ाई करूंगा तो ज्यादा अच्छे से नंबर आ जाएंगे, मैं 720 नंबर लाके एम्स दिल्ली में जाके डॉक्टर बनूंगा। तो मेरा सजेशन है, एम्स दिल्ली जाना है बहुत अच्छी बात है, उसके अलावा भी ऑप्शन है, उसमें भी जाओगे तो डॉक्टर तो बनोगे ही। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया एम्स दिल्ली के अलावा और कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं, प्राइवेट के भी और गवर्नमेंट के भी। तो अगर इतना अच्छा सपना देख रहे हो तो यार सपने को ऐसा बर्बाद मत करो। तो फिजिक्स के लिए आपके पास ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। केमिस्ट्री के लिए सिमिलर स्ट्रैटेजी, पढ़ाई करो और फिर उसको रिवाइज करो एनसीईआरटी के साथ। अगेन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की है। अगर ये डाउट आ रहा है कि यार मैं एनसीईआरटी पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, केमिस्ट्री के लिए मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या फिर मुझे कंसल्ट करना चाहिए, एक सेपरेट वीडियो मैंने उसके लिए भी बनाया है कि एनसीईआरटी से क्या पढ़ना चाहिए आपको, केमिस्ट्री एनसीईआरटी से कैसे पढ़ना चाहिए,
फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, बायो कैसे पढ़ना चाहिए, तो वो सारी मेहनत मैं कर रहा हूं, प्लीज डू नॉट वरी। तो एनसीईआरटी इसकी ऑब्वियस सी बात है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगेन सजेशन ये है 100 न्यूमेरिकल्स एवरी डे एवरी टॉपिक के लिए करो। फिजिकल केमिस्ट्री में एवरी डे एवरी 100 टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एटलीस्ट 2 या 3 बार पढ़ो और प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद एनसीईआरटी। यार देखो क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर आगे बढ़ना है तो पसीना तो बहाना पड़ेगा, पसीना तो बहाना पड़ेगा। वो बात अलग है कि पढ़ाई करने में पसीना नहीं आता, मेरा जो कहने का मतलब है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर आ जाता है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ याद करने का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ याद करने का सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको क्या करना है, ऑब्वियसली बात है डेडिकेट करो एक आर। ओके, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन बार बार पढ़ो। जितना ज्यादा याद रहेगा उतना अच्छा रिकॉल रहेगा एग्जाम के टाइम पे, अच्छा रिकॉल किया तो 4 नंबर मिल जाएंगे, उस क्वेश्चन में 4 नंबर मिल जाएंगे। और हमें कितने चाहिए, हमें 650 प्लस चाहिए सेफ स्कोर लाने के लिए, हमें 650 प्लस चाहिए सेफ स्कोर लाने के लिए। तो प्रैक्टिस साइकिल डायग्राम जो आपके हैं केमिस्ट्री में उन्हें करो, डेडिकेट द मोस्ट टाइम इन एनसीईआरटी। अगेन मैं एनसीईआरटी पे एम्फेसिस कर रहा हूं, एनसीईआरटी पे एम्फेसिस कर रहा हूं, तो फोकस ऑन एनसीईआरटी। अगेन नहीं पता जाओ वीडियो को देखो जहां पे मैंने अलग से डिस्कस किया है एनसीईआरटी का रोल। अब हम आ जाते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी, मॉक टेस्ट मैं डिस्कस कर रहा था भाई। मॉक टेस्ट अपीयर करो हर चैप्टर वाइज, हर टॉपिक वाइज तो हम कर ही रहे हैं, मॉक टेस्ट भी करो, क्योंकि आपको जो भी करना है वो 200 मिनट्स में करना है, मतलब 3 घंटे 20 मिनट में ही, 3 घंटे 20 मिनट में ही आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आपको जो 720 नंबर का जो पेपर आने वाला है वो 200 मिनट में ही सॉल्व करना है, 200 मिनट में एक एक्स्ट्रा नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, कोई भी हो, 200 मिनट में एक एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो आपको मेक श्योर करना है, मॉक टेस्ट को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मॉक टेस्ट को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर तीसरी स्ट्रैटेजी है एनसीईआरटी। ये बायोलॉजी के लिए है, वैसे ये बायोलॉजी के लिए है, तो जैसे कि मैंने बोला था एवरी लाइन को करो। अब मैं बायो को फोकस क्यों कर रहा हूं, सर बायो बायो क्यों कर रहे हो आप, फिजिक्स भी तो है केमिस्ट्री भी तो है। बायो 360 नंबर की है आपके नीट एग्जाम में, नीट का एग्जाम कितने का होता है 720, फिजिक्स आती है 180, केमिस्ट्री आती है 180, बायो आती है 360, बायो आती है 360। तो अगर एम्स का सपना देख रहे हो, एम्स दिल्ली का सपना देख रहे हो, तो बायो में कम से कम 350 तो चाहिए आपको, 350 तो चाहिए आपको। तो इसलिए प्रॉपर मेमोराइज करो, डेडिकेट मोस्ट ऑफ योर बायोलॉजी टाइम टू एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी इज सॉरी नीट एग्जाम इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, नीट एग्जाम इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करो, और कुछ बोनस टिप्स हैं, बोनस टिप्स नहीं बोलूंगा, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। पहली तो ये कि यार डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप डिलीट कर दो, नहीं यूज करना है हटा दो, नोटिफिकेशन ब्लॉक करो। मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है ब्रह्मास्त्र का, जहां पे आपको जाके पता चलेगा कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन को, मोबाइल फोन को अपने काम में ला सकते हो, अपने काम में ला सकते हो। फिर दूसरी चीज, सोशल मीडिया से दूर भागो, सोशल मीडिया से दूर भागो। देखो 4 तारीख तक कंट्रोल कर लो, 4 मई तक कंट्रोल कर लो, 5 मई से जो यूज करना वो यूज करना। डॉक्टर बन जाओगे तो यार आप देखो यूट्यूब पे जाके कितने सारे डॉक्टर्स ब्लॉगिंग करने लगे, वो शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस, तो वो करना। अभी मत सोशल मीडिया यूज करो, अभी मत सोशल मीडिया यूज करो। फिर एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाओ, स्टडी प्लान से मेरा मतलब है एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, लेकिन टाइम टेबल बनाना नहीं है उसको फॉलो भी करना है, टाइम टेबल बनाना नहीं है उसको फॉलो भी करना है। और अगर फॉलो नहीं होता तो यार मम्मी पापा से हेल्प लो,
मम्मी पापा से बोलो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। देखो मम्मी पापा को मैं यहां पे फिर लेके इसलिए आया हूं क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत वो आपके लिए कर रहे हैं। लोगों को लगता है यार नीट एग्जाम स्टूडेंट्स क्रैक करते हैं, एग्री, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये मोबाइल या लैपटॉप जिसमें देख रहे हो ये किसने खरीद के दिया? आपके पापा ने। आपको जो खाना बनाने का टेंशन नहीं है वो कौन देख रहा है? मम्मी। आपका जो एम्बियंस है उसे कौन मेंटेन कर रहा है? मम्मी। तो मम्मी पापा भी इक्वल मेहनत करते हैं, मम्मी पापा भी इक्वल मेहनत करते हैं। अगर आपके नीट में 650 नंबर आ रहे हैं तो ये 650 नंबर आपके नहीं है, ये 650 नंबर में तीन लोग जुड़े हुए हैं, आपके पापा, आपकी मम्मी और आप। ये तीनों की मेहनत है, ये तीनों की मेहनत है। और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो दो लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, दो लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, आपकी मम्मी और आपके पापा, आपकी मम्मी और आपके पापा तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो मेक श्योर एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाओ, उसको फॉलो करो, अपने मम्मी पापा का सपना मत तोड़ना। सोशल गैदरिंग अवॉइड करो और नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोगों से दूर रहो जो बोलेंगे यार तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो। तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हो अपना नीट का एग्जाम। हिम्मत मत हारना, होप मत खोना। और अगर छोटी छोटी टिप्स चाहिए हैं, इंपॉर्टेंट अलर्ट्स चाहिए हैं, तो हमने एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है, उसको जाके ज्वाइन करो। मैंने ज़रूर बोला है कि अवॉइड करो व्हाट्सएप जैसे फोन एप्लीकेशंस, लेकिन हमारे चैनल को ज्वाइन करो क्योंकि उसमें हम आपको स्टडी टिप्स देंगे जिससे आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रहोगे। तो होपफुली आप नीट को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करोगे, ये मेरा सपना है। मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर बने। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.